नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया नगर के अंतर्गत तहसील कार्यालय चंदिया तहसील एवं नया एसडीएम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, जहां नवीन भवन कार्यालय में सप्ताह के अंतर्गत बांधवगढ़ एसडीएम दो दिनों तक बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नारायण सिंह, उमरिया जिला दंडाधिकारी कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव, बांधवगढ़ एसडीएम तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों सहित बद्री नारायण धाम के महंत योगी तीरथ नाथ चंदिया थाना प्रभारी सहित नगर के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों सहित पत्रकारगण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री शिव नारायण सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव सर श्री प्रकाश तिवारी जी, अरविंद चतुर्वेदी जी, चंद्रप्रकाश जी, आशुतोष अग्रवाल जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, उपस्थित जनसामान्य, सभी को लिंक कोर्ट बहुत बहुत मुबारक हो। रिपोर्ट से रमेश रावत जी बता रहे थे कि आप लोगों की कई समस्याएं जो आप जिनके लिए आपको उमरिया तक जाना पड़ता था, ये सभी अब आपको यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। आने जाने का किराया, समय, परेशानी सभी की बचत होगी। और इस तरह से यहाँ कुछ नए रोजगार भी सृजित होंगे। यहाँ पर जब आना जाना बढ़ेगा, कुछ नए वकीलों को यहाँ काम भी मिलेगा। यहाँ के आसपास की दुकानों को भी रोजगार में वृद्धि होगी, उनकी भी बिक्री बढ़ेगी। कुल मिला के लिंक कोर्ट से यहाँ की व्यवस्था में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और इस तरह के जो भी काम आप लोग बताते हैं, जिसमें कोई वित्तीय बाधा नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, इस तरह के सभी काम करने को मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। माननीय विधायक जी चर्चा करते रहते हैं मुझसे अक्सर, हमेशा नई नई बातें बताते रहते हैं, शायद ये भी कर लिया जाए। उस सभी पर मेरा पूरा सहयोग रहता है और आगे भी इस तरह से सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद। हम सबको आजादी दिलाने वाले ऐसे नायक बहुत रही सरकार है देश में, लेकिन इस शख्सियत को, इस महान जननायक को किसने नहीं याद किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मंशा अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में जिले भर में तहसील स्तर पर ऐसे नेता जो देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दे दिए। इनकी मृत्यु रहस्यमयी है, इसमें चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम सबको मौका मिला है आज उनकी जयंती पराक्रम दिवस मनाने का। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका जन्मदिवस है, श्री सुभाष चंद्र बोस जी का, उस नेता जी के नाम से फेमस है, इसलिए एक बार उनका जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोले सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के एसडीएम कोर्ट लिंक के शुभ अवसर पर हमारे जिले के लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय श्री संजीव श्रीवास्तव जी, मंच पे विराजमान जिनके नेतृत्व में तहसील परिषद चंदिया तहसील और बिलासपुर तहसील की जन सुनवाई होगी, उनके नेतृत्व में श्री हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्री नीरज खरे जी, मंच पे विराजमान हमारे भाजपा के जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय आशुतोष अग्रवाल जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, इस तहसील के
और नरोजाबाद तहसील की प्रभारी आदर श्री रमेश रावत जी, बहन कोमल जी, आदरणीय हमारे किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अरविंद त्रिवेदी जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई रजन तिवारी जी, मंडल के अध्यक्ष भाई पंकज तिवारी जी, नगर पालिका परिषद चंदिया के उपाध्यक्ष भाई अनुपम चतुर्वेदी जी, आदरणीय हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई रामनारायण प्यासी जी, अखिल जी, आदरणीय हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री रत अग्रवाल जी, हमारे पूर्व शिक्षक रिटायरमेंट आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, मंजू जी, आदरणीय हमारे थाना प्रभारी तिवारी जी, आदरणीय कुशवाहा जी, हमारे अधिवक्तागण, आदरणीय चंदिया तहसील में SDM की लिंक रोड महीने में 2 दिन लगा करेगी, इसका कल शुभारंभ हुआ है। जो काम अब कराने के लिए चंदिया के लोगों को SDM कार्यालय बांध उमरिया आना पड़ता था, वो कार्य अब उनके चंदिया में ही हो सकेंगे।